हे फ्रेंड्स, तो हम लोग आ चुके हैं आलम बाग में, सेवा चिकन जो शॉप है उस वहाँ पे, क्योंकि हमें चिकन की शॉपिंग करनी, चिकन की कपड़ों की शॉपिंग करनी है भाभी की मम्मी के लिए और मम्मी के लिए, तो दोनों का शॉपिंग करते हैं। बने रहिए आप सब ब्लॉग में। हमारी शॉपिंग चल रही है अभी। क्योंकि इसका डिजाइन है सब, नहीं तो अच्छा लग रहा है। इसका देखते थे क्या और डार्क ग्रीन में है, डार्क नहीं आता वो नीचे जो ग्रीन लगा है वो पिंक, और आप जहाँ पे खड़ी हैं उसमें जो लगा है। हाँ दिखाइए, कितना 28 बोले ना आप, 28 बोले ना, ये मसलिन कौन सा कपड़ा है, मसलिन साइज क्या है इसका, मीडियम ये फैब्रिक लॉन्ग की ये फैब्रिक है, इसका सिर्फ कुर्ती है। हाँ कलर भी जा रहा है, ये बहुत प्यारा लग रहा है, और थोड़ा इससे अच्छा दिखा सकते हैं ना। हे गाइस, तो हमारी शॉपिंग यहाँ पे पूरी हो चुकी है। यहाँ पे से हमने सिर्फ मम्मी की साड़ी ली और भाभी की मम्मी के लिए एक कुर्ती लिया, कुर्ती नहीं सूट सेट लिया, कुर्ती पसंद नहीं है, और उनकी सिस्टर के लिए भी लेना था पर उन लोगों को भी पसंद नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे शॉप से वीडियो कॉल करना अलाउ था, तो उन लोगों को वीडियो कॉल करके भाभी ने दिखाया तो उन लोगों को नहीं पसंद आया। पर्सनली मुझे भी चिकन की, दूसरे लोग पहनते हैं तो अच्छा लगता है पर खुद पे मुझे भी नहीं अच्छा लगता है, मैंने भी आज तक नहीं पहना है चिकन की। तो अब हम कॉस्मेटिक शॉप पे जाएंगे, वहाँ से चूड़ी बिंदी ये सब लेना है भाभी के लिए भी और अपने लिए भी, तो चलिए चलते हैं। आगे देखते हैं और आगे कोई शॉप होगी बैंगल्स की बताएंगे। कैलकुलेटर अरे मच्छर मर रहा है, इधर हमारी चाट बन रही है। अच्छा मॉल नीचे में है या ऊपर में है, इस फ्लोर पे है, इनसे ही पूछ ले कॉस्मेटिक वाले। आपको पता होगा कॉस्मेटिक का सामान किस फ्लोर पे मिलेगा, ग्राउंड पे मिलेगा, इसी पे मिलेगा ना हम लोगों को, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे पता नहीं है कुछ भी यहाँ का। हे फ्रेंड्स, तो हम जिस चूड़ी शॉप पे गए थे वहाँ पे हमें चूड़ी बिंदी तो मिल गई पर बाकी कॉस्मेटिक सामान नहीं मिली, जैसे लिपस्टिक ये सब लेना था वो हमें नहीं मिला। तो अब हम मॉल आ चुके हैं आलमबाग में, नई मॉल जो खुली है वहाँ, तो यहाँ पे गार्ड भैया ने हमें बहुत हेल्प किया मॉल में कहाँ पे मिलेगी जो बताने। ओके थैंक यू भाभी। हाँ ये रहा वहाँ पे है, पता नहीं मिलेगा कि नहीं। वाह अच्छा बनाया नहीं, फर्स्ट टाइम मुझे बोलेंगे मेरे बिना ही चली गई तुम उसमें। और ज़्यादा महंगा होता है, चलिए एक बार देख लेते हैं किसमें देखेंगे, कलर बार का भी है किसमें देखेंगे। ये कलर बार है उसी का, कलर बार का ही है।
हो जाएगा। इसका तो मॉइस्चर होता है लिप्स के लिए होता है, क्योंकि ड्राई हो गया ना। ये शेड देखो अच्छा लग रहा है, कलर अच्छा है ना। अच्छा एक वो पिंक में देखते हैं, पिंक। तो हमारी शॉपिंग यहाँ भी ख़त्म हो गई है। आज कोई नहीं आया शॉपिंग पे, सिर्फ मैं और भाभी आई हूँ, और हम दोनों ने अपने लिए आज शॉपिंग की है, मम्मी के लिए भी की है, दोनों मम्मी के लिए। और ये पता नहीं कौन सा मॉल है, मुझे नहीं पता, नया है, जो आलमबाग बस स्टैंड के पास में खुला है, ये वो मॉल है। जो भी आलमबाग के, जो भी लखनऊ के होंगे उनको पता होगा, काफ़ी दिनों से ये खुलने वाला था, अब जाकर खुला है, तो हम यहाँ आए हैं। और अब शायद इसके बाद घर चलेंगे हम सब, क्योंकि शॉपिंग पूरी हो चुकी है, और गुल्लू गुग्गू सभी को मैं छोड़ कर आई हूँ, तो डर लग रहा है वो रो रहा होगा। शॉपिंग पूरी हो गई, अब हम सब घर चलेंगे। अभी फर्स्ट टाइम मैं अकेले शॉपिंग कर रही हूँ, मैं और भाभी से, बाकी सब लोग घर पर आराम कर रहे हैं। पे गया होगा ना, हमारी शॉपिंग पूरी हो गई और अब हम जा, आज हमारी ब्लॉगिंग भाभी कर रही है। हेलो फ्रेंड्स, हम आज शॉपिंग करने गए थे, पता नहीं कोई न्यू मॉल था आलमबाग में, कोई न्यू मॉल खुला है वहाँ गए थे, मॉल का नाम नहीं पता क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम गई थी वहाँ पे इसलिए, बट अच्छा था। आप सब अगर आसपास के कोई भी हो तो जाइए और वहाँ पे एंजॉय कीजिए, क्योंकि बहुत खाली है, बिल्कुल लोग ना के बराबर मिलते हैं वहाँ पे, और काफ़ी अच्छा भी है। नाम मैं गूगल से देख कर नाम डाल दूँगी क्या है सो, क्योंकि मैंने देखा नहीं। हम लोग काफ़ी जल्दी में थे क्योंकि गुल्लू गुग्गू को मैं घर पर छोड़ के आई हूँ, और अब घर जा रहे हैं क्योंकि हमारी चाट ठंडी हो रही है। तो मिलते हैं घर पे फिर से, बाय। तो हमारी चाट पार्टी चल रही है, चाट बन रही है, भाभी प्याज काट रही है क्योंकि प्याज नहीं देता, और मैं नहीं काट पा रही क्योंकि मेरे हाथ कट गई है, इसलिए तो प्याज कट रहा है और चाट खाया जाएगा। मम्मी वो धो के दे दीजिए। तो ये है मेरे पापा, और पापा भी खा रहे हैं चाट। कैसे पापा? पापा को तो अच्छा लगा, उधर बच्चा पार्टी से पूछती हूँ कैसा लगा जो। ओए बच्चा पार्टी कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। भैया उस रूम में है तो बच्चे पार्टी को देख सकते हैं, उसी प्लेट में खा रहा है, बाकी मेरी मम्मी और भाभी की है। अभी चलते हैं, मैं भी खाती हूँ।